इच्छा अभी 3-4 दिन घर में है, तो 3-4 दिन में बबल और अमृता की शादी करा देते हैं। बबल की शादी का आइडिया तो घना अच्छा है, लेकिन दादी जी 3-4 दिन में शादी कैसे हो सकती है? इतनी सारी तैयारियां जो करनी है। ना ना छोरी, तू उसकी चिंता मत कर। 3-4 दिन क्या, हम तो 2-3 घंटे में सारी तैयारी कर ले रहे हैं। अमृता, तू तो बस एक काम कर, जल्दी से अपने माँ बाप को बुला ले। बात तो तू सही कह रहा है खड़क, लेकिन मुहूर्त भी तो। प्रबल। हाँ दादी। तू जल्दी से जाके पंडित जी को बुला के ला, उनसे पूछते कि 4 दिन में कोई शुभ मुहूर्त है कि नहीं। अरे पंडित आ जाएगा दादी, चिंता मत करो। और हाँ, मने किसी की अच्छी और बुरी यादों से कोई लेना देना ना है। बस मैं तो अपने बबल को दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। अरे चल चलो, टाइम बहुत कम है, शादी की तैयारी करनी है, चल सबल। हाँ चलो चलो। ये नागिन है या क्रिकेट, कितने रंग बदलती है। मुझे इच्छा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अब देखती जाओ विशैली, मैं क्या करती हूँ। आप यहाँ बैठिए ना। मैं तुझे सावधान करने आई हूँ इच्छा, तू बहुत बड़ा जुआ खेल रही है। इसकी बाजी अगर सही रही तो ठीक, वरना। माँ, अब की बार सब कुछ सही होगा, इस बार अमृता की सच्चाई सबके सामने आएगी और बबल जी उसके चुंगुल से आजाद भी होंगे। कैसे कैसे होगा ये इच्छा? माँ, आने वाली पूनम की रात से पहले नाग आत्मीकरण विधि नहीं हो सकती और बबल जी नाग नहीं बन सकते, और जब तक बबल जी नाग नहीं बन जाते अमृता उनसे शादी नहीं कर सकती। अमृता पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है और अब मेरे पास काफी वक्त है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। पर तुझे लगता है तब तक अमृता शांत रहेगी? नहीं इच्छा, नहीं, वो तेरे इस चाल का कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढ लेगी। तूने ये कदम उठाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है अपने लिए, हालांकि मैं दिल से चाहती हूँ कि तू जीते, पर तेरे हारने की संभावनाएं मुझे ज्यादा दिख रही हैं। महारानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? एक बार फिर से हार करा देती। ए विश्वेश्वर देव, देख रहे हैं आप, क्षमा कर दीजिए। आप इस चपौली को पाल पोस कर बड़ा किया हमने, हर हुनर सिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे दूसरी विश्नैनी नहीं बना पाए। मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन एंड वक्त पर वो इच्छा आकर तुम्हें मात दे गई है ना। आप मुझे जितने चाहे ताने मारिए, लेकिन इस बार मेरी मदद कीजिए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, वो लोग मेरी और बबल की 2-3 दिन में शादी कराना चाहते हैं और ऐसे कैसे हो सकती है तुम्हारी शादी? बबल अभी भी आधा इंसान है, इसलिए तो मैं आपसे। तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? साफ साफ कह क्यों नहीं दिया कि अगले 15 दिन तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा बोलने ही नहीं दिया। और तो अब जाकर बोलो उन्हें, जो भी बहाना बनाना है बनाओ। एक बात याद रखना विषय, जब तक बबल पूरा नाग नहीं बन जाता तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। महारानी, मैं बहाना तो बना लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने जोर दिया तो
महारानी, क्या आप मुझे विशेलगढ़ के नियमों से थोड़ी सी छूट नहीं दिला सकती? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अगली पूनम की रात मैं बब्बल को नाग में परिवर्तित कर दूंगी। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो विशाली? विशेलगढ़ के नियम ना तो कभी किसी के लिए बदले हैं और ना ही आगे कभी किसी के लिए बदलेंगे। और अगर किसी ने भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम तुम बेहतर जानती हो। दीदी बस एक बार, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अप्पू दूध। केसर डालकर लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? क्या हुआ अप्पू, तू मुझसे अब तक नाराज है? पी लेना। इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। अप्पू, तू मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है? मैंने ऐसे क्या किया है जो तू मेरे पे? मैंने कहा ना, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। बब्बल चाचू के साथ जो कुछ हुआ वो। अप्पू, तुझे भी लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? हाँ, के लोगों का तो फिर भी ठीक है, वो मेरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है। फिर भी तुझे ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? अप्पू, ये सब विशैली करवा रही है। मैंने तुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था ना। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना इच्छा? तुम भी तो नहीं सुधरती ना अमृता, इसलिए करना पड़ता है मुझे ये सब। क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? और कुछ नहीं, तो कम से कम ये तो पता चला कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। मुझे मात देने के लिए वो ये सब हरकतें कर रही है। उसने बब्बल जी को सम्मोहित किया है, उन्हें अगवा भी विशैली ने ही करवाया था। अप्पू, वो बब्बल जी को नाग बनाना चाहती है कि वो उनसे शादी कर सके, उन्हें विशाल कर ले जा सके। बब्बल जी को इस परिवार से दूर करने की साजिश है उसकी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा दम मुझ पर ही पलट दिया। लेकिन बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है अप्पू कि मुझे तुझे सफाई देनी पड़ रही है। किसी को बेस्ट फ्रेंड कहने से वो बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता अप्पू, उसके लिए सामने वाले पर भरोसा रखना पड़ता है, तब भी वो दोस्ती सच्ची दोस्ती कहलाती है। I am sorry, मैं भटक गया था, मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं। और वही तो अप्पू, हमें हर एक चीज के बारे में बारीकी से सोचना होगा, विशैली की हर चाल समझनी होगी। ऐसे संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा, तभी तो हम उसे मात दे पाएंगे। इस घर में एक तू ही तो है जो मेरी सच्चाई जानता है, मुझे तेरा ही तो सहारा है। अगर तू भी मेरे खिलाफ हो गया। इच्छा, गलती हो गई मुझसे, दोबारा नहीं होगी। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ नहीं करोगी? ये लो, अभी से सर पकड़ के बैठा है। अरे शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होएगा? मेरा जो भी हो तुमसे मतलब, हाँ पकाओ मत, मेरा सर भारी है। भाई तराजू ले आए, एक बार तोल कर देख लेते हैं सर कितना भारी हुआ है। अरे पहले उससे तो पूछ ले कि उसने तोला है या ना तोला, पहले तभी तो पता चलेगा कि हल्का हुआ है या भारी हुआ है। अबे शेख चिलियो, सिर भारी मतलब मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे शादी का दूसरा नाम ही सरदर्द है, और ऊपर से सही साथी ना मिले तो क्या मतलब? अरे शादी बच्चों का खेलना है, शादी आग होवे, पहले हवन में फिर जीवन में, शादी तूफान होवे, पहले दिल में फिर घर के एक एक बिल में।
शादी जाल होवे और मर्द फटेहाल होवे। शादी एक दिन का जुनून, जिंदगी भर ना चैन ना सुकून। देख जो बोल रहा है सीधे मुंह और साफ साफ बोल, वरना निकल यहां से। अरे सीधी बात तो ये है कि तू आज कुमार है, जंगल का शेर है। अरे कल शादी हो जाएगी तो सर्कस का शेर बन जाएगा। बीवी बोलेगी उठ तो उठना पड़ेगा, बीवी बोलेगी बैठ तो बैठना पड़ेगा, बीवी बोलेगी कि कान खुजा तो कान खुजाना पड़ेगा, अरे बीवी बोलेगी कि कूद जा तो कूदना पड़ेगा। और अगर बीवी अच्छी हुई तो? कच्ची? अरे अमिया थोड़ी ना है जो कच्ची होगी, वो तो अच्छी खासी फली फूली है। अरे कच्ची ना कह रहा वो कह रहा अगर बीवी अच्छी हुई तो। अरे देख छोटे, अच्छी बीवी और भूत दोनों वहम है, सुने सबने देखे किसी ने ना। नहीं मैं नहीं मानता कि शादी इतनी बुरी होती है। हाँ हाँ भाई, कोई तो मीडियम अच्छी सी लड़की होगी अपने बब्बल के लिए। हाँ हाँ एक है मेरे दिमाग में। अच्छा कौन कौन? इच्छा। इच्छा। ओ इच्छा। हाँ देख छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तेरा भला ही चाहता हूँ। अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। शादी करोगी मुझसे? कैसी रहेगी हमारी जोड़ी? आप क्या बोल रहे हैं बब्बल जी? इच्छा, कुछ लोगों का मानना कि हम दोनों एक दूसरे के नहीं बने। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? नहीं ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और पता है मुझे भी ऐसा नहीं लगता। इच्छा मुझसे शादी करने के लिए नहीं बनी है, वो तो बस मेरी शादी में नाचने के लिए बनी है। याद है तुमने सगाई में क्या कमाल का डांस किया था? वाह ठीक वैसा ही डांस तुम्हें मेरी शादी में भी करना है। इच्छा आओ डांस करो, काम करो, खाना खाओ और चली जाओ। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, अपना बनने के लिए अमृता की तरह। आप सही कह रहे हैं। अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर किसी और के लिए बने होते तो वो शायद पानी मांगने के लायक भी नहीं रहता बेचारा। इच्छा तुम क्या इच्छा को समझ क्या रखा है आपने? जब मन में आए चार बातें बोल दी और निकल गए। अरे खुद तो चार कदम ठीक से चल भी नहीं पाते, हर बार मैं आकर आपको संभालती हूँ और आप फिर भी मुझे ही ताने मारे जा रहे हैं। जाइए जाइए, बड़े आए मुझसे काम कराने वाले। मैं आपका कोई काम वाम नहीं करने वाली। आपको आपकी शादी और आपकी बीवी मुबारक हो। अच्छा आपको मुड़कर भी नहीं देखेगी। वाकू अब बस हुआ, बहुत हुआ खेल। चल जल्दी से अपने पंडित जी के रूप में आ जा, प्रबल भैया सबल भैया आते ही होंगे। पंडित हाजिर है। कैसा लग रहा हूँ इच्छा? तुझे याद है ना क्या करना है क्या कहना है? एकदम फन से लेकर पूंछ तक मैंने सब रख लिया, तुम निश्चिंत रहो। वाकू इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अब की बार अगर हम चूक गए ना तो? नहीं चूकेंगे, इस बार सब कुछ योजना के मुताबिक ही होगा। अमृता को इस बार मात देके रहेंगे। बहुत अकल आ गई तुझमें। हाँ भैया आ गए। आइए भैया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। औजार? अरे ना ना औजार वोजार ना है हमारे पास।
हम पहलवान जरूर हैं, लेकिन शांति में विश्वास रखते हैं। क्यों सवल? अरे भाई, औजार की बात ना कर रही, इंतजार की बात कर रही है वो। अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा, वो इंतजार की बात कर रही होगी। छोड़िए भैया, भैया ये शर्मा है। अरे नाना जी, शर्माने की कोई जरूरत ना है, खुल के बात कीजिए आप हमसे। भैया इनका नाम शर्मा है, हमारी योजना के मुताबिक ये पंडित शर्मा बनकर हमारे घर पे आएंगे और शादी का वही मुहूर्त निकालेंगे जो हम चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुहूर्त निकालना किस चीज का है? तेरी पिटाई का, लाल किताब देख। अरे शादी का मुहूर्त निकालना है, बब्बल और अमृता की शादी, इतना भी ना पता आपको? अरे याद है पंडित जी, बस आप इतना काम कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। भैया आप लोग याद कर लो कि आपको याद है ना कि करना क्या है। बस इच्छा, प्रबल कबल और सबल की याददाश्त पे कभी संदेह नहीं करते, हमें सब याद है। भूलेगी तो अब अमृता, क्या भूलेगी? बब्बल से शादी करना। क्यों इच्छा? शत प्रतिशत सही। भैया पंडित जी, जल्द से जल्द का मुहूर्त निकाल के बताइए। जी दादी। अरे दादी भी हद करती है, मुझे बोला कि जाके पंडित जी लेके आओ और खुद यहाँ दूसरा पंडित लाके बैठा हुआ है। अरे भाई अब क्या करें, दो पंडित होंगे तो दो मुहूर्त निकलेंगे, दो शादियां करनी पड़ेंगी। चलो शादी तो ठीक है, हम कर भी लेंगे, लेकिन मैं तो अकेला ही हूं ना, मैं अकेला दो दो शादियां कैसे अटेंड करूंगा? अरे ना छोटे, ऐसा ना होने देंगे, एक अमृता से तो पीछा छुटना पारा, दो दो से कैसे छुटवाएंगे? अरे सवाल वो नहीं है, वहां जो पंडित जी बैठे हैं, अगर उन्होंने 3 से 4 दिन के बाद का मुहूर्त निकाल दिया तो क्या, हमारा दाव हम ही पे उल्टा पड़ जाएगा। एक काम करते हैं, आप दोनों अंदर जाओ और जाके पंडित जी को इस बात पे जोर दो कि वो शादी का मुहूर्त 3 से 4 दिनों के अंदर का निकाल दें, अगर वो ना माने तो मैं सामने आ जाऊंगा। ये ठीक है भाई, चल चल वो अब हां चल चल। अरे अरे दादी, पंडित जी को बुला लिया। हां छोरा, पंडित जी ऐसा मुहूर्त निकालिए कि जिस मुहूर्त में शादी करने से हमारे छोरे की जिंदगी बदल जाए। आजकल जो उसका खराब समय चल रहा है ना, वो टल जाए और उसका आने वाला कल उसकी गृहस्थी के लिए लाभदायक हो। जी दादी जी। पंडित जी, हमें बबल की शादी अगले 3-4 दिन में करनी ही करनी है, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। वैसे ग्रह भी तो होना चाहिए ना। अरे ग्रह व्रह को छोड़ो, धक्का मार के इधर उधर खिसका देंगे। वो क्या है ना पंडित जी, कि हमारी दादी ना चाहती है कि बब्बल को जल्द से जल्द शादी के जोड़े में देखें, और सच क्या है ना कि हमसे भी रहा ना जा रहा अब। अरे चुप करो तुम दोनों। पंडित जी आप इनकी बातों में मत आइए, आप अपने ज्ञान और तजुर्बे से बताइए कि शादी के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है। जी दादी। पंडित जी अगले पन्ने पे देखो। अरे ना ना पंडित जी, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ। दादी जी मुहूर्त निकल गया। कब का निकला है पंडित जी? अरे दादी वो सब छोड़ो, पहले इनसे पूछो कि कब का मुहूर्त निकला है। चुप कर बावले, मैं भी तो यह बोल रही हूँ कब का निकला है। दादी जी 2 दिन के बाद का मुहूर्त है। सुनिए सुनिए, खुशियां मनाने से पहले
इस मुहूर्त से जुड़ी अहम बात को सुन लीजिए। अहम बात? वो क्या? दादी जी, इस मुहूर्त को लेकर के एक समस्या है। कैसी समस्या पंडित जी? दादी जी, अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो अगले 1.5 साल तक कोई मुहूर्त ना। भाई अब मजबूरन हमारे को तैयारियां करनी पड़ेंगी। क्या करें? चला जा, तैयारी शुरू करते हैं। अमृता, इस मुहूर्त में शादी करनी ही पड़ेगी। अब क्या करोगी अमृता? तुम तो हर तरफ से फंस गई। आज ईश्वर ने फिर एक बार अच्छाई का साथ दिया है। अब देखना, यही मुहूर्त तुम्हारे विशैलगढ़ लौटने का मुहूर्त बनेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.